मुखिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। वालेकुम अस्सलाम। हम इंडिया से मोहम्मद जमशेद आलम मुनीरी आपसे मुरीद बात कर रहे हैं। हजरत जी आप खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद रखे, अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को बेइंतहा कबूल फरमाए। हजरत जी, हजरत जी अब तो ऐसा हजरत जी कि आपके बिना हम अधूरे हैं। हजरत जी, हजरत जी आप अपनी खास तवज्जो और खास दुआओं की आपसे दरख्वास्त है। हजरत जी, हजरत जी जैसा कि आता है हजरत जी की नमाज बेदिहानी में जो पढ़ा जाता है तो वो बददुआएं करते जाता है हजरत जी, तो मेरी नमाज में जान नहीं है हजरत जी, बस कुछ ऐसा पढ़ने के लिए बता दे हजरत जी कि जो नमाज में जान आ जाए और आप दुआ भी कर दे हजरत जी। अल्लाह ताला आपको खूब खूब माशाल्लाह। मैं जमशेद आलम मुनीर जी इंडिया से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए, आपकी दुआएं हमारे हक में कबूल हों। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर तरह की सेहत और सलामती और आफियत आपको नसीब फरमाए। और बाकी नमाज में ध्यान के लिए ऐसा करें कि नमाज जब पढ़ना शुरू करें उससे पहले जो है 11 मरतबा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम ये पढ़ के अपने बदन पे फूंक लिया करें। अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी ये पढ़ के फूंक लें, हाथों में दम करके चेहरे पे फेर लें, पूरे बदन पे जहाँ जहाँ फूंक सकते हैं फूंक लें। उसके बाद जो बिस्मिल्लाह करके अपनी नमाज शुरू किया करें, इंशाल्लाह आपकी नमाज का ध्यान बढ़ जाएगा और जो भी वसाविस वगैरह जिससे बेदियानी पैदा होती है वो सब दूर हो जाएंगे। ये 41 डेज़ ये अमल पाबंदी से कर लें, इंशाल्लाह आपको ध्यान नसीब होगा। बहुत शुक्रिया।